नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको दुनिया से उठाना चाहता है इस नाम का इंसान। जी दोस्तों, आप इन पर इतना भरोसा कर रहे हैं, इतना यकीन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको इस बात की कानोकान खबर नहीं है कि इनके मन में आपके प्रति ऐसा व्यवहार चल रहा है। जी दोस्तों, दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब समय आ गया है जब आपको सतर्क हो जाना है कि दोस्तों ऐसा दुश्मन है जो कि आपके जीवन काल में आपको कहीं के नहीं छोड़ेंगे। जी दोस्तों, और भगवान श्री कृष्ण ने भी यह बात कही है कि कभी भी अपने शत्रु पर दोबारा भरोसा ना करना, क्योंकि जो दुश्मन है वह वही काम करेगा जो उन्हें पसंद है। एक बार मुंह में मीठा बोल देने से उनका स्वभाव नहीं बदलता। तो दोस्तों, समय रहते हो जाइए सावधान, क्योंकि इस दुश्मन ने आपको पिछले कई समयों से तंग करके रखा है। आपने देखा है कि पिछले समय में आपने कितनी मेहनत किया है, कितनी सारी समस्याओं का आपने सामना किया है और अपने जीवन काल में इतनी खुशियां हासिल की है, लेकिन दोस्तों अगर आप इनसे अपनी खुशियों को नहीं बचा पाएंगे तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि समय रहते इस इंसान से आप अपने आप को बचा लें या फिर अपने जीवन काल से इस इंसान को निकाल दें, दोस्तों दोनों में ही आपकी ही भलाई है, आपके जीवन काल की, आपके घर परिवार की ही भलाई है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आखिर कब तक आप अपने जीवन काल में इतने सारे दुखों को झेलते रहेंगे, आपको भी तो जीने का अधिकार है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपका मन बहुत ही स्वच्छ और साफ रहता है। आप हमेशा चाहते हैं कि किसी से भी ना लें, ना झगड़ें और जीवन काल में आगे बढ़ते रहें, लेकिन दोस्तों इस दुनिया की सोच आपके जैसा नहीं है। आप चाहते हैं कि सभी के साथ मिलजुल कर रहें, लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके कार्यों से जलते हैं, जो आपके परिवार से जलते हैं, आपके चाल चलन से जलते हैं और आप चाहकर भी उनके साथ रह नहीं पाते। क्यों दोस्तों? उनके अंदर आपके प्रति बहुत ही गलत भावनाएं होती है। जी दोस्तों, दोस्तों समय रहते इस व्यक्ति को आपको अपने जुनकाल से निकाल देना है। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो में हम आप सभी को पर सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि कैसे आप इस व्यक्ति को अपने जुनकाल से निकाल सकते हैं, कैसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं कि आखिर यह व्यक्ति कौन है, आखिर क्यों ऐसा कर रहा है या क्या चाहता है। जी दोस्तों, तो दोस्तों ये दुश्मन दोबारा आप सभी के जुनकाल पर ना आए, इनके लिए आपको बहुत ही खास मंत्र बताएंगे और अपने जुनकाल को इस व्यक्ति से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों सभी जानकारियां बहुत ही गहरी तरीके से ग्रह गोचर के अनुसार बनाए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें जय भोलेनाथ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का अशुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों से यह बात कहते हैं कि शिकायत बंद करो, अपनी तरफ देखो और जहाँ जहाँ तुम्हें दुख पैदा होता है खोजो, गौर से तुम्हारे भीतर ही उसके कारण मिलेंगे। उन कारणों को छोड़ दो, क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है उन कारणों को किए जाने का प्रयोजन क्या है। जिनसे सिर्फ जहर के फल लगते हो उन बीजों को तुम क्यों बोते हो। और दोस्तों आप अभी अपने जुनकाल में ऐसा कर रहे हैं, जो व्यक्ति आपको लगता है कि यह आपके शत्रु है, यह आपसे अच्छा हो ही नहीं सकता, फिर भी दोस्तों आप उनसे बात क्यों करते हैं। आज ही उन्हें अपने जुनकाल से निकाल दें, क्योंकि आगे चलकर भी ये आपको धोखा ही देंगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय भोलेनाथ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का अशुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों से के साथ बात करते हैं कि आखिर यह कौन व्यक्ति है जो आपको इस दुनिया से उठाना चाहता है। कि दोस्तों, चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। जी दोस्तों, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ वरना रहो अकेला। जी दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने जीवन काल में बहुत ही सफल इंसान बनने की सोच रखते हैं,
जो भी आपके मन में आते हैं दोस्तों, आप कभी भी उन्हें मन में दबाकर नहीं रखते हैं। आप अपने परिवार के साथ बातों को तो शेयर करते हैं जो भी आप अपने जीवनकाल में चाहते हैं, लेकिन दोस्तों इनके साथ ही साथ जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जो भी आपके पास रहते हैं, जो भी आपके दिल के करीब हैं, दोस्तों आप भी उनसे अपने जीवन की जो भी बातें हैं, जो आने वाले क्रियाकलाप हैं, उन सभी की जो गुप्त बातें हैं, अपने जीवनकाल में आने वाले योजनाओं के बारे में सभी को बता देते हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह आपकी गलती है और इन्हीं के कारण दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में जो भी समस्याएं आ रही है यहीं से शुरुआत होती है। जी दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले व्यक्ति आपके बारे में जानता है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं, फिर दोस्तों धीरे धीरे आपके साथ रहकर उनका देखने का नजरिया बदल जाता है और दोस्तों वे आपसे ही जलनशील की भावना से बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं और दोस्तों आप इन बातों को समय समय पर नजरअंदाज करते आ रहे हैं। दोस्तों याद कीजिए कि पिछले समय अंतराल में भी आप सभी के जीवन काल में ऐसे कई लोग आए हैं जो कि आपके साथ रहकर आपको धोखा भी दिए हैं और कोई ऐसा भी लोग है कि दोस्तों धोखा देने के बाद आपसे मिलने के ये बहुत ही प्रकार के जो है कार्य भी किए हैं, आपके सामने अच्छे बनने के कार्य भी वो लोग करते हैं और दोस्तों फिर आप अपने दिल को उनके आगे हार बैठते हैं। तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान को एक बार माफ कर अच्छा इंसान बन जाओ, लेकिन दोस्तों दोबारा उन पर विश्वास करना जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि दोस्तों जो इंसान जैसा था वह वैसा ही रहेगा, आप उन पर बिल्कुल ही यकीन ना करें। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का याद रखना है कि जो भी इंसान आपको जीवन में कभी भी धोखा दिए हैं, कभी भी आपको छल किए हैं, तो दोस्तों उस इंसान की आपको एक बार सिर्फ पहचान करना है और उनसे दोस्तों आपको दूर जाना है। जी दोस्तों उनसे बात भी आपको नहीं करना है, जैसे दोस्तों आप उनको अपने जीवन काल में निकाल सकते हैं। और दोस्तों यही ऐसे लोग होते हैं जो दोस्तों आपके साथ रहकर आपके ऊपर छल करते हैं, आपके जीवन काल में कई प्रकार के टोने टोटके कराते हैं जिससे दोस्तों आपको क्षति आपको नुकसान होते हैं। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है, गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए आपके जीवन काल में एक और ऐसी बात है जो कि आपके लिए सटीक है कि दोस्तों कोई भी इंसान जब आपसे कुछ रुपया मांगता है, जे दोस्तों कोई भी इंसान इमोशनल होकर आपसे कोई कार्य करने के लिए कहता है तो दोस्तों आप उन्हें बिल्कुल भी ना नहीं कह पाते हैं। दोस्तों ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है। जब भी कोई इंसान अपने दुख लेकर आपके पास आ जाते हैं तो दोस्तों उन्हें ना करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं होती है, लेकिन दोस्तों आप उनके पीछे की बात को छान भी नहीं करते हैं। दोस्तों कई बार ऐसे ही लोग हैं जो कि आपको धोखा देने के चक्कर में रहते हैं और फिर दोस्तों सब उनको आप पैसे दे देते हैं तो दोस्तों फिर कई दिनों के बाद आप देखते हैं कि दोस्तों आप उनकी नजरों में बुरे बन चुके हैं। जे दोस्तों तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है कि पैसे से लेन देन जल्दी आप ना करें, क्योंकि दोस्तों आज के इस दौर में पैसा बहुत ही अच्छा है तो एक तरफ बहुत ही बुरा भी है। जे दोस्तों जहाँ पैसे हमारी जीवन की सभी इच्छाएं पूरी करती है, वहीं दोस्तों दूसरी ओर अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो दोस्तों हम चाहे कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना करे हो, हम उनकी नजरों में बुरे बन जाते हैं, वो हमसे नजरें चुराने लगते हैं। जितना आप पहले बात करते थे दोस्तों पीछे आप बात करना कम कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे जीवन की हालात हो जाती है। तो दोस्तों आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप दोस्तों इनमें कोई भी कार्य करते हैं तो दोस्तों वह व्यक्ति आपके लिए कुछ गलत कार्य करते हैं। तो दोस्तों आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि अपने जीवन काल में कोई भी करीबी लोगों से पैसे की लेन देन बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो दोस्तों जहाँ तक हो सके आप समय उन्हें दे सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी और दोस्तों पैसे को लेन देन में आप बिल्कुल ही ना पड़े। तो दोस्तों इन बातों का आप अपने जीवन काल में ध्यान रखें कि दोस्तों ऐसे ही गलतियां होती है जो कि आपके जीवन काल में आप करते हैं और दोस्तों आगे चलकर वही गलती विशाल रूप धारण करके आपके जीवन काल में कई प्रकार के समस्याओं का कारण बनते हैं। जय दोस्तों और यही लोग आगे चलकर आप सभी के जीवन काल में टोटके भी करवाते हैं, भूत भी छोड़ते हैं, बहुत प्रकार की जो इनके ऊपर हो सकती है वे सभी कार्य आपके ऊपर ये करने लगते हैं। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि कैसे आप इनको अपने जीवन काल से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं हुई है, जो भी कठिनाइयां आपको मिली है दोस्तों, उन सभी को आप भूलने की प्रयास करें, कोई नई
चीज़ों को पढ़ें, नए कार्यों को करें। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों ने आपके ऊपर छल किया है उनको ऊपर आप विश्वास बिल्कुल ना करें, और दोस्तों आने वाले जीवन काल में जितना हो सके उनसे कम बात करने की प्रयास करें। इनसे दोस्तों आपके माइंड में इनका ख्याल आना कम होगा, और दोस्तों आपके दिमाग में कोई और चीज आएगी जिससे दोस्तों आपका आकर्षण किसी और की तरफ बढ़ेगा। इस प्रकार दोस्तों आप इन बुरे व्यक्तियों को अपने जीवन काल से निकाल सकते हैं, और यही कारण है कि दोस्तों आपको अपने जीवन काल में अच्छी उपलब्धि भी इनसे प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि शत्रु को अपने जीवन काल से हमेशा के लिए मिटा देने के लिए आपको कौन से उपायों को और कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बहुत ही आश मंत्र है दोस्तों, संकटों का निदान करने वाले, शत्रुओं से बचाने वाले संकट मोचन जय हनुमान। जय दोस्तों आपको नित्य दिन आपको भगवान हनुमान जी का इन मंत्रों का जाप करना है। संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, कृपा करो हे महाबली हनुमान। जी दोस्तों यही मंत्र है जो कि आप सभी के जीवनकाल में सभी शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। जब आपके मन में ऐसा ख्याल आने लगे कि आपके ऊपर संकट आने वाला है तो दोस्तों आपको इस मंत्रों का जाप करना है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दी कि इस दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आपको शनिदेव के शरणों में जाना होगा, और शनिदेव के कुछ वस्तुएं जैसे काली चीजों का दान करना है, काले कुत्ते को दोस्तों आपके खाने की आखिरी रोटी देनी है। शत्रु ग्रह कम होते हैं और जीवन काल से शत्रु हट जाते हैं। जय दोस्तों, तो दोस्तों भगवान शनिदेव का ये उपाय को आप डेली करें, शत्रु भी कम होंगे और शत्रु आपके ऊपर हावी भी नहीं होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।